गणित में प्रश्नावली 7.2 प्रश्नावली का नाम है घन एवं घनमूल। देखिए हमने 7.1 में भी घन और घनमूल ही पढ़ा है, लेकिन उसमें संख्या कौन सी से गुणा करना है, कौन सी से भाग करना है, इसके बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं घनमूल याद करना। देखना घनमूल याद करने में हमें पहला प्रश्न करा रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखो संख्या तो बहुत सारी है, पूरी 10 संख्या दे रखी है, पर 10 में से 3 सवाल आपको मैं कराता हूँ, बाकी 7 आप करना, मेथड आपके सामने है। सबसे पहली संख्या है 64 में देखो, यानी कि पीछे का अंक 4 है, 4 में 2 का भाग जा रहा है, यानी ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। 2 का भाग देंगे, 6 में 2 का भाग 3 बार जाएगा और 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, यानी 64 में 2 का भाग 32 बार जाएगा। इसी प्रकार ये भी सम संख्या है, इसमें भी 2 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 16 बार, फिर 2 का भाग 16 में देंगे 8 बार जाएगा, 2 का देंगे 8 में 4 बार, 2 का 4 में 2 बार और 2 का 2 में 1 बार। तो ये हो गए 64 के अभाज्य गुणनखंड। तो इनको मैं यहाँ लिखूंगा 64 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो लिख देंगे। अब यहाँ देखो तीन तीन के समूह प्राप्त होंगे, ये 3 का समूह और ये 3 का समूह, इनको अपन एक एक बार लिखेंगे। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, यानी 64 का घनमूल कितना जाएगा 4। इसी प्रकार मैं आपको ये दूसरा वैसे भी आएगा, थर्ड वाला कराता हूँ 10648, यहाँ लिख दिया मैंने। और ये भी क्या है, पीछे का अंक में 2 का भाग जा रहा है तो सम संख्या है, यहाँ पर 2 का भाग देंगे इसमें, 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 का भाग 8 में 4 बार, ये भी सम संख्या है, इसमें 2 का भाग देंगे तो इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है 2662, फिर इसमें भी 2 का भाग देंगे ये जाएगा 1331। अब ये विषम संख्या आ गई, तो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग देके देखा वो भी नहीं जा रहा, फिर विषम का भाग जाएगा 5 का भाग नहीं जा रहा, 7 का देके देखा उसका भी नहीं जा रहा, 9 का देखे इसका भी नहीं जा रहा, फिर 11 का भाग इसमें जा रहा है, तो 11 का भाग इसमें जाएगा 121 बार, फिर वापस 11 का जाएगा 11 बार, फिर 11 में 11 का जाएगा 1 बार। तो ये संख्या ये हो गए इनके अभाज्य गुणनखंड, इनको लिखेंगे यहाँ पर और इसको भी लिखेंगे, इसका 2 और इसका 11 22 आ गया। इसी प्रकार अपन इसका करेंगे 110 592, ये 7वां सवाल है, ये भी सम संख्या है, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, फिर 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 13824 बार, फिर इसमें भी 2 का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ तक सम आता जाएगा मात्र 2 का भाग देते जाएंगे, 2 का भाग इसमें दिया इतनी बार गया, फिर 2 का भाग इसमें दे दिया 1728 बार, फिर 2 का भाग 864, फिर 2 का भाग दिया, इस प्रकार 2 के भाग लास्ट यहाँ तक जाएगा। अब ये 27 आ गया, 27 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग देंगे 9 बार, फिर 9 में 3 का भाग 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग 1 बार, इन सभी संख्याओं को मैं यहाँ पर लिखूंगा गुणा के रूप में। इसमें भी हमने तीन तीन के समूह बना दिए और इनको हम एक एक बार लिखेंगे, यहाँ से एक बार दो, फिर एक बार दो, यानी 4 और 5 समूह है, 4 समूह 2 के, 1 समूह 5 का, तो 4 बार 2 और 1 बार 3 लिख दिया, इनको गुणा कर दिया तो ये आ गया 48। तो बच्चों ये आगे घनमूल ज्ञात करने, तो मैंने आपको प्रश्नावली 7.1 में भी कौन सी संख्या जिससे गुणा करने के बाद में घनमूल संख्या प्राप्त हो जाए, कौन सी संख्या जिसका भाग करने के बाद घनमूल संख्या प्राप्त हो जाए, और आज अपन पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो अपन आगे कल प्रश्नावली पढ़ेंगे, 8वीं प्रश्नावली। ओके। बच्चों इसका होमवर्क करके भी लाना है आपको, यानी होमवर्क करना है
और होमवर्क को भी चेक कराने आना है। प्रश्नावली 7 कंप्लीट कर लाना। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 में गणित में प्रश्नावली 7.2। प्रश्नावली का नाम है घन एवं घनमूल। देखिए, हमने 7.1 में भी घन और घनमूल ही पढ़ा है, लेकिन उसमें संख्या कौन सी से गुणा करना है, कौन सी से भाग करना है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं घनमूल याद करना। देखना, घनमूल याद करने में हमें पहला प्रश्न करा रहा हूँ मैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, देखो संख्याएं तो बहुत सारी है, पूरी 10 संख्या दे रखी है, पर 10 में से 3 सवाल आपको मैं कराता हूँ, बाकी 7 आप करना। मेथड आपके सामने है। सबसे पहली संख्या है 64 में देखो, यानी कि पीछे का अंक 4 है, 4 में 2 का भाग जा रहा है, यानी ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। 2 का भाग देंगे, 6 में 2 का भाग 3 बार जाएगा और 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, यानी 64 में 2 का भाग 32 बार जाएगा। इसी प्रकार ये भी सम संख्या है, इसमें भी 2 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 16 बार। फिर 2 का भाग 16 में देंगे, 8 बार जाएगा। 2 का देंगे 8 में 4 बार, 2 का 4 में 2 बार और 2 का 2 में 1 बार। तो ये हो गए 64 के अभाज्य गुणनखंड। तो इनको मैं यहाँ लिखूंगा 64 इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बार को लिख देंगे। अब यहाँ देखो, 3-3 के समूह प्राप्त होंगे, ये 3 का समूह और ये 3 का समूह, इनको अपन एक एक बार लिखेंगे। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, यानी 64 का घनमूल कितना जाएगा, 4। इसी प्रकार मैं आपको ये दूसरा कैसे जाएगा, थर्ड वाला कराता हूँ, 10648 यहाँ लिख दिया मैंने। और ये भी क्या है, पीछे का अंक में 2 का भाग जा रहा है तो सम संख्या है, यहाँ पर 2 का भाग देंगे इसमें। 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 का भाग 8 में 4 बार, ये भी सब संख्या है, इसमें 2 का भाग देंगे तो इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है 2662। फिर इसमें भी 2 का भाग देंगे, ये जाएगा 13 31। अब ये विषम संख्या आ गई तो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग देके देखा वो भी नहीं जा रहा, फिर विषम का भाग जाएगा, 5 का भाग नहीं जा रहा, 7 का देके देखा उसका भी नहीं जा रहा, 9 का देखे उसका भी नहीं जा रहा, फिर 11 का भाग इसमें जा रहा है। तो 11 का भाग इसमें जाएगा 121 बार, फिर वापस 11 का जाएगा 11 बार, फिर 11 में 11 का जाएगा 1 बार। तो ये संख्या ही हो गई इनके अभाज्य गुणनखंड। इनको लिखेंगे यहाँ पर और इसको भी लिखेंगे, इसका 2 और इसका 11 22 आ गया। इसी प्रकार अपन इसका करेंगे 110 592। ये 7वां सवाल है, ये भी सम संख्या है, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, फिर 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 13824 बार, फिर इसमें भी 2 का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ तक सब आता जाएगा, वहां तक 2 का भाग देते जाएंगे। 2 का भाग इसमें दिया इतनी बार गया, फिर 2 का भाग इसमें दे दिया 1728 बार, फिर 2 का भाग 864, फिर 2 का भाग दिया, इस प्रकार 2 के भाग लास्ट यहाँ तक जाएगा। अब ये 27 आ गया, 27 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग देंगे 9 बार, फिर 9 में 3 का भाग 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग 1 बार। इन सभी संख्याओं को मैं यहाँ पर लिखूंगा गुणा के रूप में। इसमें भी हमने 3-3 के समूह बना दिए और इनको हम एक एक बार लिखेंगे, यहाँ से एक बार दो, फिर एक बार दो, यानी 4 और 5 समूह है, 4 समूह 2 के, 1 समूह 5 का, तो 4 बार 2 और 1 बार 3 लिख दिया, इनको गुणा कर दिया तो ये आ गया 48। तो बच्चों, ये आगे घनमूल ज्ञात करने। तो मैंने आपको प्रश्नावली 7.1 में भी कौन सी संख्या जिससे गुणा करने के बाद में घनमूल संख्या प्राप्त हो जाए, कौन सी संख्या जिसका भाग करने के बाद घनमूल संख्या प्राप्त हो जाए, और आज अपन पढ़ रहे हैं
अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो अपन आगे कल प्रश्नावली पढ़ेंगे, आठवीं प्रश्नावली। ओके, बच्चों इसका होमवर्क करके भी लाना है आपको, यानी होमवर्क करना है और होमवर्क को भी चेक कराने आना है। प्रश्नावली 7 कंप्लीट कर लाना।